Good morning, dear student. Student, today we are going to solve question number 16 of exercise 5.3. And the question is, a sum of rupees 700, sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of high school for their overall academic performance. Student, sum of rupees is 700, total rupees jo hai wo 700 hai. That means sum of rupees, sum of 7 terms. क्योंकि ये यहाँ पे 700 rupees को ये 7 cash prize में डिवाइड किया गया है. किसमें डिवाइड किया गया? 7 cash prize में. तो sum of ये कितने का sum है? Sum of 7 terms. Sum of 7 terms आपके पास given है 700. And if each prize is rupees 20 less than its preceding prize. यहाँ पे ईच प्राइज जो है वो जो है पहले वाले से 20 कम है. जैसे कि अगर लेट फर्स्ट प्राइज जो है, अगर हमारा फर्स्ट प्राइज 100 रुपए होगा तो सेकंड प्राइज जो इनको मिलेगा उनका 80 रुपीज मिलेगा. तो स्टूडेंट लेट कर लेते हैं, लेट टू बी फर्स्ट प्राइज इक्वल टू ए, देन सेकंड प्राइज क्या हो जाएगा? सेकंड प्राइज हो जाएगा हमारा ए माइनस 20. सेकेंड प्राइज हो जाएगा ए माइनस 20. ऐसे थर्ड प्राइज क्या हो जाएगा? ए माइनस 20 माइनस 20, तो ये माइनस 40 हो जाएगा. तो यहां से अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, कॉमन डिफरेंस ये एपी फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट, क्योंकि एवरी टाइम 20 लेस हो रहा है. तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो ए टू माइनस ए वन के अकॉर्डिंग ए टू आपका ए माइनस 20 माइनस ए वन ए है, तो ए टू ए कैंसिल आउट, माइनस 20 आ गया आपका कॉमन डिफरेंस. ओके स्टूडेंट, हमें वो 7 कैश प्राइस को फाइंड करना है. तो सम ऑफ 7 टर्म्स आपके पास आई है. हम लोगों को फार्मूला पता है, SN इक्वल टू n / 2 2a प्लस n माइनस 1 * d. इस फार्मूले को ओपन कर लेते हैं. तो सम ऑफ 7 टर्म इक्वल टू 7 / 2 2a प्लस 7 माइनस 1 * d. अब सम ऑफ 7 टर्म 700 है. 700 7 upon 2, 2 into a, a मुझे फाइंड करना है, प्लस 6, 7 minus 1, 6 d, यहाँ हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, ये 7 into, 7 upon 2 into 2, a plus 3 d, and d की भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, d की वैल्यू क्या है हमारे पास, minus 20, ये वैल्यू पुट कर दिया, equal to 700, स्टूडेंट ये, कैंसिल आउट हो गया, एंड इस 7 को हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में होगा और ये आपका हो जाएगा 100 इक्वल टू ए माइनस 3 2 6 60 हो जाएगा. अब इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो 160 इज इक्वल टू ए. फर्स्ट प्राइज हमारा हो गया 160 रुपीज. तो ऐसे ही हमें ये 7 कैश प्राइज में डिवाइड करना था, तो आपका जो फर्स्ट प्लेस पे जो फर्स्ट विनर होगा उसको मिलेगा 160 रुपीज, एंड सेकंड विनर को इससे 20 लेस 140, देन 120, देन 100, देन 80, देन 60, देन 40. 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैश प्राइस हो गया. इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करने पर ये आपका 700 ही होगा स्टूडेंट्स. ओके okay?